इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। हम आज चिक्कोड़ी गांव में मौजूद हैं और यहां पर ख़ासकर ईसा नाइकवाड़ी जो सामाजिक खिदमतगार अंजुमन सदर अंजुमन और उसके साथ ही इन्हें सबसे पहले मुबारकबाद की, उन्हें कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर मुंतखब किया गया। लिहाजा आज जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन डे पूरी मुल्की सतह पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से मनाया गया। यहाँ पर वो आज चिक्कोड़ी गांव में, वैसे तो अंजुमन इस्लाम वैसे तारुफ की मोहताज नहीं है, कई सारे खिदमात वो अंजाम दे चुकी है, दे रही है और आगे भी देने के उनके इम्कान। लिहाजा आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर अंजुमन जनाब मोहम्मद ईसा नाइकवाड़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं हमारी इत्तेहाद न्यूज़ का भी शुक्र अदा करता हूँ, इसके हमें फॉलोअर्स भी हैं। आज के दिन जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट जो है हमारे कर्नाटका प्रदेश के सदर जो हैं डीके शिवकुमार साहब का डायरेक्शन के हिसाब से, हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो कर्नाटका के निगरानी में हैं जो डॉक्टर जफर खान और हमारे प्रेसिडेंट वाई सईद अहमद साहब, इनके डायरेक्शन पर पूरे कर्नाटक में आज फूड डे प्रोग्राम बनाने का है। तो आज यहाँ पे चिक्कोड़ी में हम लोगों ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के इसमें चिक्कोड़ी डिस्ट्रिक्ट के तहत जो कॉन्फ्रेंस है उसमें 5,000 फूड पैकेट्स बनाए और 10,000 केले, मतलब एक पैकेट के साथ में 2 केले देने का ये करें। आज जो काम अंजाम में दिया उसे सभी लोग इसमें शामिल थे और हमारे सभी लोग उसमें हमारे कांग्रेस के जो मेन हैं वो सब चेयरमैन, ब्लॉक चेयरमैन, फिर बाद में जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट हो गए सब लोग शामिल थे। उसके बाद में जो प्रोग्राम होने के बाद में सभी फूड्स अतनी, रायबाग, चिक्कोड़ी, फिर बाद में अपना संकेश्वर, केरी, निपानी, अमकन मंडी, यानी जितने भी चिक्कोड़ी डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र है सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अलहमदिल्ला सब जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि फूड पैकेट सब हर एक गरीब लोगों को, जहाँ पे मज़हब नहीं देखा जाएगा, जैसे ज़रूरतमंद है वहाँ पे हॉस्पिटल में या फिर रोड पे। आज यहाँ पे चिक्कोड़ी भी देखे तो एक सर्कस है, वहाँ लोगों को खाने के लिए मौता है, वहाँ पे बोले हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल। और एक यहाँ पे ऊँट के लोग आए थे जो ऊँट लेके अपना रोज़ाना ये करते हैं, उनके भी वहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अलग फसल से एक अच्छा काम हुआ। और दूसरी बात मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता भी है कि अंजुमन का जो 2016 में जब 31 मई में शुरू किया, आप भी उसके गवाह हैं, तो उस वक्त से जो शुरू किया अंजुमन के हैं तो बहुत सारे काम अंजाम दिए हैं। उसके सबसे बड़ा अंजाम अभी पिछले साल कोविड में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन सप्लाई की, मेडिकल सप्लाई की, मेडिसिन डॉक्टर्स ये वगैरह सप्लाई। इस साल अंजुमन की तरफ से 2 गाड़ियाँ हम लोगों ने एम्बुलेंस और एक डेड बॉडी ले जाने के लिए एक मॉर्चरी वैन भी बनाई। अलहमदिल्ला बहुत कम खर्चे में, जो डीजल का खर्चा है, जो पीपी किट का है, उतने इसमें हम लोगों पूरा वो बॉडी को ले जाना या तो उनको तफदीन करना, वो टीम भी है तफदीन करने की, वो भी काम कर रही है। और एम्बुलेंस जो सख्त ज़रूरत थी यहाँ, मतलब आज के इसमें एम्बुलेंस का किराया भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो भी मिनिमम चार्जेस के हिसाब से, तो डीजल का खर्चा अपना ड्राइवर का वो हिसाब से वो भी अंजाम दे रही है। तो ऑक्सीजन कम से कम लगभग 200 ऑक्सीजन अभी तक सप्लाई की पेशेंट्स को, बाकायदा उनका नाम, डॉक्टर का रेफरेंस, उनका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, सब डेटा हम लोगों ने उनका सेव किया है। बहुत सारे लोग उसमें गैर मज़हब के हैं या तो अपने से गैर मज़हब के हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, और जो भी ज़रूरतमंद है उन लोगों को हम लोगों ने फ्री में, मतलब जो अपना कुछ भी खर्चा ना लेते हुए हम लोगों ने उनको वो भी सप्लाई किए। हर चीज़ अंजुमन अंजाम दे रही है। तो इससे अच्छा है कि अल्लाह का करम है कि हम सब लोग टीम, हमारे अंजुमन की जो टीम है, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, हमारे जो एक एक मेंबर हैं जो पूरे चिक्कोड़ी डिस्ट्रिक्ट का, तो सब लोगों की मदद की वजह से और सभी लोगों की दुआओं से आज अंजुमन इतना काम कर रहा है। ये बहुत बहुत लाख शुक्रगुजार है अल्लाह का कि इतने काम में अंजाम। अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक हमारी टीम एन ए मखदूम हॉस्पिटल में, वहाँ भी मुस्लिम्स के स्टाफ वगैरह जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स लोगों के साथ हम लोगों ने बात भी की है
और दूसरी बात इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल का भी इरादा करें, तो अगर वो टीम हमारे को पूरा मिले डॉक्टर्स का वगैरह, तो इंशाल्लाह चिक्कोड़ी में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से एक अपना अंजुमन का एक हॉस्पिटल बनाने की एक इरादा करें। तो थर्ड वेव में जो अभी आने वाला जो है वो बच्चों के लिए बोलते हैं, तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट को अभी हम लोगों ने रेफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर्स के साथ बात कर रहे हैं, और हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के जो भी इंचार्ज हैं या CMO हैं वो लोग भी अच्छा हम लोगों को मदद दे रहे हैं। इवन हमारे पुलिस डिपार्टमेंट भी अंजुमन को अच्छा मदद कर रहे हैं, कभी भी हम लोगों को उन्होंने उनसे काम के लिए अंजुमन को ऐसा कभी रुका है नहीं। तो चलो अंजुमन अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए मदद वो लोग भी कर रहे हैं, हर एक फ़र्ज़ अंजुमन के लिए काम कर रहा है, दुआ भी दे रहे हैं। और जो भी थर्ड वेव आएगा, ये तो थर्ड वेव तो हो रहा है इंशाल्लाह, वो आने वाला आगे भी 2025 तक भी ऐसा ही कोरोना रहेगा करके बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी अंजुमन अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा रहेगा, हर एक उसमें मदद करने के लिए तैयार है और एक पूरे काम को देने के लिए अंजाम के लिए रेडी है। देखिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तो आप जो बोल रहे हैं, तो जो रनिंग गवर्नमेंट जो अभी है BJP की, वो सतर पे पूरी तरह फेल हुई है। जो मेडिकल सप्लाई रहने दो, या तो अवेयरनेस के तरह रहने दो, या तो वैक्सीनेशन के तरह इसमें रहने दो, या तो मीडिया के ताल्लुक से जो भी प्रोग्राम्स पब्लिक के लिए हैं वो पूरा फेल हुआ है। हर बार लॉकडाउन हुआ, या तो एक जो आम आदमी काम कर रहा है उसके लिए कभी ये नहीं हुआ, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर गवर्नमेंट अगर इसको अवेयरनेस लेके या तो प्रिकॉशंस लेके पहले ही करती है, तो लॉकडाउन करने से पहले अभी एक साल टाइम था उसका, पिछले साल आके गया था, एक साल टाइम था, लेकिन गवर्नमेंट ने उसका ये नहीं किया, उसको मजाक के तौर पे ले लें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज बिना कांग्रेस पार्टी के पहले भी हम लोगों ने ग्राउंड लेवल पे काम किए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा नेटवर्क है, जो कांग्रेस पार्टी का जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है या तो उसको पूरे ग्राउंड लेवल तक हम काम करेंगे, बूथ लेवल तक उसको काम करने का एक मेरा एक ये है, तो एक अलग तरह से एक अंजाम देंगे। जो अभी हमारे में भी इतलाफ हैं, हमारे भी मुस्लिम लीडर्सों में या तो हमारे भी डिपार्टमेंट में ऐसा सब लोगों के इसमें ब्लॉक में रहने इतलाफ है, वो सब दूर करके या तो सब एक प्लेटफॉर्म पे आके इस बार पूरे कांग्रेस के लिए अच्छा सा काम करके, और आने वाले कल में इंशाल्लाह तो कांग्रेस गवर्नमेंट होगी। तो बोले तो आजकल जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो चल रहा है, तो वो हिसाब से कांग्रेस के आने के चांसेस हैं, और उसमें मुसलमानों के लिए जो है एक कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह काम करने के लिए क्योंकि इंशाल्लाह अगस्त में एक लंगर खाना हम लोग शुरू कर रहे हैं, जो जिस स्टार्ट होगा तो अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू रहेगा, तो जिसमें 20 किलो से हम लोग शुरू करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह फूड पैकेट्स वगैरह डेली उसको गरीबों तक पहुंचा जाएगा। जो भी गरीब हैं, माजूर हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए खाना तकसीम किया जाएगा, वो अगस्त 15 के उस दिन लॉन्च करेंगे हम लोग। अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों को, हम लोग तो अंजुमन कमेटी तरफ से चिक्कोड़ी के जानिब से सब लोगों को पहुँचा रहे हैं ऑक्सीजन। अभी थोड़ा सा पेशेंट की कमती है, बोले तो पेशेंट कम आ रहे हैं अभी, नहीं तो बीच में बहुत फ़ोन से आते थे, अभी कम है। और हमारे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, दो ड्राइवर हैं, एक मसूरीज के है और डेड बॉडी लेके जाने के लिए, और एक एम्बुलेंस जिसमें ऑक्सीजन वगैरह सब फैसिलिटी बनाए हैं हम लोग एम्बुलेंस में। और ऐसा रात में वगैरह फ़ोन आए तो भी हम लोग 24/7 हमारे पास करीबन नहीं बोले तो भी 7 ड्राइवर्स हैं अभी हमारे पास फिलहाल में, हम लोग शिफ्ट वाइज दे रहे हैं। सब टीम मिलकर काम कर रहे हैं सर, अच्छी तरह से निभा रहे हैं। ज़्यादातर योगदान हमारे सर का है, नाईकोड़ सर का, इनके पीछे सब कर ले रहे सर का। पहला ट्रिप हमें एम्बुलेंस लेके गया यहाँ से खड़कलाट जाके, खड़कलाट में पेशेंट लेके सांगली में एडमिट करके आया, तो हमारे मतलब हमारे मौलाना के माँ मदर थे वो, उधर जाने के बाद हमारे को बहुत कोऑपरेशन मिला, और वो ने सो हमारा जो सर्विस दे रहे हैं ना, बहुत हमारे सर्विस को तारीफ़ किए वो लोग। तो लिहाजा आज उन्होंने 5,000 पैकेट्स फूड पैकेट्स तकसीम किए हैं, कई सारे यहाँ पर जो सर्कस के ताल्लुक से भी उन्होंने बताया कि कई सारे लोग हैं जो बाहरी गाँव से यहाँ पर आए हुए हैं, और वो यहाँ पर आकर इस लॉकडाउन के वो लॉकडाउन का ज़्यादा असर उन पर रहा, क्योंकि कारोबार बंद है, तिजारत बंद है, तो इस तरह से भुखमरी के कगार पर जो लोग पहुँचे हुए थे, ऐसे लोगों को सदर अंजुमन और अंजुमन की टीम, तमाम तर टीम, जैसे तदफीन की टीम है, ऑक्सीजन की टीम है, इस तरह से इन्होंने जो है कामों को तकसीम करके हर शख्स तक जाकर पहुँचने की कोशिश की है। दुआगो हैं कि अल्लाह ताला इनके तमाम मकासिद में अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी अता फरमाए। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।